कि 12वीं जमात तक तालीमी वज़ायफ़ का जो सिलसिला है वो आज मुल्क की सतह पर उसका बाकायदा इजरा हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब उसका बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं और ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा है कि एक मुल्क गिर सतह पर मुस्तहिक घरानों को के बच्चों को तालीमी वज़ायफ़ दिए जा रहे हैं, उनकी रसाई तालीम तक यकीनी बनाई जा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है। एहसास के दायरे कार में बहुत से प्रोग्राम हैं, जैसे कि आप जानते हैं एहसास किफालत है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एहसास बिला सूद कर्जा है, एहसास आमदन है, एहसास इमरजेंसी कैश है, बहुत सी केयर सर्विसेज हैं एहसास के दायरे कार में। वज़ीर आज़म की खास हिदायत पर फूड ट्रक्स चलाए जाते हैं, पनाहगाहें बनाई गई हैं, लंगर खाने खोले जाते हैं। एहसास नशोनुमा का दायरा कार जो है वो मुल्क की सतह पर उसको वसत दी जा रही है। वन विंडो सर्विसेज का इजरा हो चुका है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे हम फैला रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि हमारा सर्वे अब मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि सर्वे की बुनियाद पे ये जो तमाम बेनिफिट्स हम देते हैं उनको वसीत से वसीतर किया जा रहा है। मगर आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर हमारे लिए अहम है। थोड़ी सी आपको तफसीलात बताती चलूँ। ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और 70% उनकी अटेंडेंस होती है तो तब उनके खानदान जो हैं वो सहमाई वजीफे के लिए हकदार ठहराते हैं। चौथी जमात से लेके चार साल से लेके 22 साल की उम्र तक ये बच्चे एलिजिबल होते हैं। कच्ची जमात से लेके 12वीं जमात तक ये प्रोग्राम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम है। पाकिस्तान के 160 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस वक्त चल रहा है। इस प्रोग्राम की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि जो लड़कियों का वजीफा है वो लड़कों से ज़्यादा है और इस बात का बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने पिछले हफ्ते जब हुकूमत की तीन साल परफॉर्मेंस की इवेंट था उस पर भी किया। प्राइमरी सतह पर यानी कि कच्ची जमात से लेकर 5वीं जमात तक लड़कियों का वजीफा जो है वो 2000 है, लड़कों का वजीफा 1500 है। जो सेकेंडरी लेवल है उसमें लड़कियों का वजीफा जो है वो 3000 है और लड़कों का 2500 है। और हायर सेकेंडरी लेवल तक यानी कि 12वीं जमात तक लड़कियों का वजीफा 4000 है और लड़कियों का वजीफा 3500 है। ये हमने बहुत तहकीक के बाद, बहुत सोच समझ के और बहुत सोच विचार के और मशावरत के बाद ये फैसला किया है। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब 27 मार्च 2019 को एहसास प्रोग्राम का बाकायदा इजरा आपने किया था। हर एहसास का एक्शन हमने नंबर किया था। नंबर 73 एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र से मुतल्लिक था और पिछले 2.5 ईयर्स हमने बड़े एक्सेलरेटेड पेस पे इसके इंतजामी ढांचे मुकम्मल किए हैं और कोविड के बावजूद भी किए हैं। तालीमी वज़ाइफ का ये प्रोग्राम इस सतह पर एक तख़फ़ीफ़े गुरबत के प्रोग्राम में डालना क्यों ज़रूरी था उस पे मैं थोड़ा सा तबसरा आपकी इजाज़त से करना चाहती हूँ। जब हम गुरबत की शरह देखते हैं तो हम इनकम लेवल ऑफ पावर्टी देखते हैं और हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का एक दूसरा मेट्रिक होता है और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है उसमें बहुत सी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं कि एक घराने में तालीमी बच्चों की कितने बच्चे उन्होंने तालीम ले ली है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनकी सेहत की जो सहूलियात हैं वो कैसी हैं, और ये तीनों चीज़ें मिलके मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स कुछ और चीज़ों के साथ बनाती हैं। तो जब आप गुरबत की शरह को देखें कि कौन सी चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा करती है तो नाखानगी जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा करती है। तो इसलिए हमें ये पूरी तरह से यकीन है कि अगर ये प्रोग्राम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ इंशाल्लाह और एट स्केल एग्जीक्यूट हुआ और हमें कोई चैलेंजेस नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आई, कोई बजटरी इश्यूज नहीं आए तो ये गुरबत की शरह में एक बहुत खातिर ख्वाह लेवल तक असरअंदाज होगा। शफकत महमूद साहब मेरे काबीना के साथ ही बैठे में हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है और वजारत तालीम की यही तरजीह है कि ये
जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनको अंग्रेजी में कहते हैं उनको लाने के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमा तरीक़ाकार निकाला जाए, इसलिए हम वज़ारत तालीम के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है एहसास का वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की शरह में कमी करने में मदद दे और घराने जो हैं वो गुर्बत की शरह से जल्द नीचे आएँ। ये एक स्लाइड है जो कहते हैं ना पिक्चर्स से 1000 words, जो आपको डेटा की मदद से ये बताती है कि जो घराना जितना ज़्यादा खुशहाल होगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा उसके बच्चे स्कूल में जल्दी जाएंगे और उतनी देर तक उसके बच्चे स्कूल में रहेंगे। और जितना एक घराना जैसे कि आप रेड लाइन से देख रहे हैं, जितना ही घराना पसमानदा होगा उतने ही ज़्यादा ये देखा जाएगा कि उसके बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो वो जल्दी फॉल आउट करेंगे। बच्चियों की जो तालीम है उसके ऊपर हम जो ख़ास तवज्जो हमने इसलिए दी है इन आदाद शुमार और डेटा के तनाजुर से, ये आदाद शुमार हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम 2006 से लेकर 2018 का सफ़र देखें और लड़कों और लड़कियों की इनरोलमेंट देखें, यानी कि स्कूल में दाखिल होने की शरह प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुई है, मगर जो गैप है लड़कों और लड़कियों की स्कूल जाने का वो उसमें कमी नहीं आई। तो इस किस्म के अदाद शुमार, इस किस्म की तहकीक, इस किस्म का जो डेटा है वो हमें एक मुसलमा तौर पे ये बताते हैं कि बच्चियों की जो तालीम है उस पे तवज्जो देना इंतहाई नागुज़ीर हो गया है, इंतहाई ज़रूरी है। आज वज़ीर आज़म साहब, मैं ये भी बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, जो एजुकेशन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, जो पिछले 2.5 साल में जिसको हमने मुरतब दिया है, तरतीब दिया है, हमने एक पिछले प्रोग्राम से हमने लेसन्स लिए हैं। वी हैव ड्रॉन लेसन्स फ्रॉम अ प्रोग्राम विच रैन फ्रॉम 2012 अप अंटिल 2018 एंड वी लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। दैट प्रोग्राम वाज कॉल्ड वसीला तालीम। और उन लेसन्स को सामने रखते हुए हमने एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स प्रोग्राम की तश्कील दी है। वो लेसन्स क्या थे, उनको हम तीन तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन अरेंजमेंट्स, जो पहला प्रोग्राम था वो पूरा आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट था। एनजीओज उसको चलाती थी, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ी ज़्यादा थी, 8% थी। अब हमने पिछले 2.5 साल में कोविड के की इमरजेंसी कैश की एग्जीक्यूशन के साथ साथ हमने तमाम एहसास प्रोग्राम्स के इंतजामी ढांचे बनाए और उनकी एग्जीक्यूशन जो मार्च 27, 2019 पे थी ऑन टाइम की, और इस प्रोग्राम की भी अपस्केलिंग ऑन टाइम की। हमने तकरीबन 1000 फील्ड स्टाफ हायर किए, तकरीबन 800 मोटरसाइकिल्स हायर की, फील्ड ऑफिसेज बनाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए, इसके एग्जीक्यूशंस के पूरे अरेंजमेंट्स हमने खुद किए। इसका जो डिजिटल निज़ाम आपने अभी मुलाहिज़ा किया, जो स्पेशलाइज्ड ऐप्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स हैं, वो हमने बनाए। पहले प्रोग्राम में था कि क्योंकि वो लार्जली पेपर बेस्ड था तो एक औरत के 15-15 बच्चे इनरोल हो जाते थे और वो अपनी सिस्टर इन लॉज के बच्चे भी उसमें इनरोल कर देती थी। जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते थे तो 4-4 महीने बाद बच्चे जो हैं वो इनरोल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में अब्यूज़ था, तो डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराने के बाद ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत हद तक एलिमिनेट हो गए। फिर हमने स्टाइपेंड की जो स्टाइपेंड बच्चे को दे रहे हैं उसको, पहले प्रोग्राम में 750 रुपये स्टाइपेंड था, हमने उसको पहले तो उसको डबल किया, फिर उसको लड़कियों के लिए स्टाइपेंड ज़्यादा किया, और फिर हमने डेटा देखा, रिसर्च और आदाद शुमार देखे, तो हमें ये पता चला कि बच्चियाँ जो हैं वो 5th क्लास के बाद उनका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो हमने फिफ्थ क्लास के बाद एक ग्रेजुएशन बोनस इंट्रोड्यूस किया है। अब ये तमाम बच्चियां जो यहाँ बैठी हुई हैं, जब ये फिफ्थ क्लास कर लेंगी तो इनके माओं को पता होगा कि इनको एक ग्रेजुएशन बोनस मिलेगा। वो उनके के लिए इंसेंटिव है कि वो लड़कियों को सिक्स क्लास में एडमिट कराएं। उनको पता है कि सिक्स क्लास में उससे भी ज़्यादा उनको वजीफा मिलेगा और हायर सेकेंडरी में भी मिलेगा, और अगर वो हायर सेकेंडरी क्लियर कर लें तो वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगी। इसका स्कोप पहला प्रोग्राम मखसूस डिस्ट्रिक्ट्स में था, अब ये मुल्कगीर है। क्लास पहले क्लास फाइव था, अब ये क्लास ट्वेल्व तक है। और अब हमने फेडरल प्रोविंशियल पार्ट कॉन्क्रीट पार्टनरशिप्स की हैं, एमओयूज की हैं, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पूरी ओनरशिप हो, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सप्लाई साइड जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये जो है ये एक फाइनेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम है, जो सप्लाई साइड है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आखिर में आपको थोड़ा सा एक पिछले हफ्ते की एक फील्ड की एक विजुअल दिखाना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते तलागंग में की ये तस्वीर है, ये एक फैमिली है, और मैं बताना ये चाहती हूँ कि एहसास किस तरह लोगों की जिंदगियों को टच कर रहा है। ये जो फैमिली थी, ये एक कमरे में रहती थी, इसमें पांच बच्चे थे, खावंद बीवी और एक उनकी मदर इन लॉ थी। इस घर ने एहसास इमरजेंसी कैश भी लिया हुआ था, वो कफालत में भी इनरोल्ड थे, और वो स्टाइपेंड्स उनके लिए बड़े मीनिंगफुल थे। इनकी जो दो बच्चियां थीं वो ऑलरेडी हमारे वजीफे के प्रोग्राम में एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स में इनरोल्ड थीं। उनकी जो छोटी बच्ची थी वो बड़ी ईगरली मुझसे और मेरे कॉलीग से पूछ रहे थे कि हमारे जो छोटी बच्ची है वो कब उसकी डेट जो है वो पूरी होगी, ताकि हम उसको भी इनरोल कराएं। और इनका ये जो बिल्कुल जो नौजायदा बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये एहसास नशोनुमा के लिए एलिजिबल है। इनका बड़ा बच्चा जो इसमें नजर नहीं आ रहा था, वो एक फैक्ट्री में काम, उसको एक मैकेनिक एक फैक्ट्री में उन्होंने लगा दिया है। उस बच्चे को भी नॉन फॉर्मल स्कूल भेज के वजीफा मिल सकता है, ताकि वो उसकी भी एजुकेशन पूरी हो और वो फिर हमारे और इंस्ट्रूमेंट से मुस्तफीद हो सके, बिलासूद कर्जा से, आमदन से, अल्टीमेटली अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है एहसास के इस पूरे निज़ाम में, एक मुस्तहक घराने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ताकि वो उससे मुस्तफीद हों और गुर्बत के चुंगल से बाहर निकलें। अब क्योंकि इंशाल्लाह हमारा जो गुर्बत का सर्वे कंप्लीट हो गया, जो हमारा एहसास का डिजिटल सेंसिस कंप्लीट हो गया है, उसने हमारे हाथ और मजबूत कर दिए हैं। इस किस्म की 1 करोड़ खानदानों को एहसास के जो फर्क प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं, और अगर आप 1 करोड़ को हाउस होल्ड साइज से मल्टीप्लाई करें तो ये पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 40% है। बहुत बड़ा नंबर है। ये तमाम काम जो हमने किया, जो हम कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं, उसमें वज़ीर आज़म की विजन सपोर्ट, मुआवनत और कॉन्क्रीट सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगले फ्राइडे को हम इनको एहसास बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की ब्रीफिंग कर रहे हैं और वो इनको डेमोंस्ट्रेट कर, क्योंकि हर स्टेप पे ये हमारे पीछे खड़े होते हैं जब हम मुश्किल फैसले करते हैं, जब हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और इनकी ये और इन्हीं के ये विजन है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। I really want to thank you all for being here with us today. I know that we have a number of international partners in the room as well. Thank you for sharing this very important moment with us as we bring to fruition 2.5 years of hard work to roll out the EHSAS school stipends program. Our outcomes of interest are to reduce the number of out-of-school children and to provide financial access to education. And as I've already mentioned, this is a nationwide program with the stipend structure heavily skewed towards girls. We have learnt heavily from a past program, and we've incorporated field lessons to come up with a much more far-reaching and a much more improved program. The objective, our government focuses on developing programs at scale using technology and transparency, and with the completion of the EHSAS survey, we hope to accelerate our programs even further.
The education conditional cash transfer program is particularly important for us because we realize it hits multiple bottom lines. It helps build human capital. It helps improve nutrition and health outcomes. It has a multiplier effect for the economy, and we are very pleased and proud that we will we've already scaled it and will continue to incrementally scale other SRs programs. Thank you so much for being with us. Aap sabka aaj hamare saath yahan aane ka aur bahut shukriya. Main khaas taur par apni team ki bahut mashkoor hoon kyunki ye tamam cheezein jo aap dekhte hain inme inki mehnat aur inki nek niyati shamil hai. Pakistan paindabad. ناظرین وزیراعظم کا احساس تعلیمی پروگرام کے حوالے سے آپ معاون خصوصی برائے تخفیف غربت ثانیہ نشتر کی بریفنگ سن رہے تھے اس سے دیکھ رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ملک گیر یہ وظائف دیے جا رہے ہیں وظائف مستحق بچوں کے والدین کو دیے جائیں گے جو بچوں کی 70% حاضری پر سہ ماہی وظائف کے حقدار ہوں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینا انتہائی ناگزیر ہے معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت ملک میں مستحق گھرانوں کے لیے اسکول وظائف کے اجرا کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہے پرائمری لڑکیوں کا 2000 اور لڑکوں کا 1500 سیکنڈری لڑکیوں کا 3000 اور لڑکوں کا 2500 روپے وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن لڑکیوں کا 4000 جبکہ لڑکوں کا 3500 روپیہ وظیفہ رکھا گیا ہے احساس پروگرام کے حوالے سے ثانیہ نشتر نے مزید کہا کہ 4 سال سے 22 سال تک کی عمر کے بچے ان وظائف سے استفادہ حاصل کر سکیں گے وزیر اعظم عمران خان تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں پاکستان میں 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے خوشحال گھرانے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوا سکتے ہیں یہ کہنا تھا ناخواندگی اور تخفیف غربت ثانیہ نشتر کی جانب سے معاون خصوصی